दिल की बातें दिल ही जाने, आंखें छेड़े साफ सुने, दिल की बातें दिल ही जाने, आंखें छेड़े। नमस्कार आदाब, इस वक्त आप देख रहे हैं मेरे साथ सीआईबी इंडिया न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। रायबरेली जिले में नवागत एसपी सुनील कुमार सिंह के पदभार ग्रहण करते ही बछरावा पुलिस ने 3 इनामिया बदमाशों को दबोचकर एसपी के सामने खुलासा किया। सभी आरोपी रिंकू सिंह हत्याकांड के आरोपी हैं और फरार चल रहे थे। सभी को उनके गाड़ियों के सहित उन्नाव जिले के मऊरामा रोड से आते समय बछरावा शेखपुर समोधा निकट से गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके पास से एक पिस्टल, 2 तमंचा सहित 8 कारतूस भी बरामद किए गए हैं। आपको बता दें कि बछरावा थाना क्षेत्र के भवेश्वर सुतवली मंदिर के बाहर ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर प्रधानपति रिंकू सिंह की निर्मम हत्या कर दी गई थी। हत्या में एक आरोपी को पहले जेल भेजा जा चुका है, वहीं 3 आरोपी 25,000 के इनामिया फरार चल रहे थे। चेकिंग में मुखबिर की सूचना पर गाड़ियों को रोककर जब चेक किया गया तो ये तीनों अपराधी बछरावा पुलिस के हत्थे चढ़ गए। उन सभी को गाड़ी सहित तमंचा कारतूस सहित गिरफ्तार कर लिया गया है। आज नवागत एसपी के सामने पुलिस मुख्यालय के किरण हाल में खुलासा किया गया और पप्पू भाईजान अजीम अमरेंद्र दीक्षित को जेल भेज दिया गया। वहीं आज ही एसपी सुनील कुमार सिंह रायबरेली पुलिस अधीक्षक का उन्होंने पदभार ग्रहण किया है और पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने सीधे 2 टूक शब्दों में कहा है कि थानों में एनसीआर नहीं, सीधे मुकदमा पंजीकृत होगा और अब अपराधियों की खैर नहीं। जनपद रायबरेली की बछरावा पुलिस द्वारा आज 25,000 रुपए के इनामिया अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है, जिनके पास से पिस्टल और तमंचे, भारी संख्या में कारतूस बरामद हुए हैं। इन तीनों अभियुक्तों द्वारा जो 20 नवंबर को रिंकू सिंह प्रधानपति के बछरावा थाना क्षेत्र में हत्या की घटना कारित की गई थी, पूछताछ पे इन अभियुक्तों ने आपसी रंजिश में हत्या की घटना कारित करना कबूल किया है। आज ये तीनों ही इनामी अपराधी पुलिस द्वारा गिरफ्तार करके न्यायालय के समक्ष पेश किए जा रहे हैं, जहां से इनको जेल भेजा जाएगा। तीनों 25,000 के इनामी अपराधी हैं, इनके विरुद्ध आगे गैंगस्टर एक्ट और NSA के तहत भी कार्रवाई की जाएगी। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।